हम लोगों ने एक एक्सीडेंट विटनेस किया जहाँ पर एक एम्बुलेंस ने आके एक मारुति सिलेरियो को पीछे से ठोक दिया। उसी शाम को हमारी वर्कशॉप में आई एक मारुति सिलेरियो जो कि पीछे से ठुकी हुई थी। तब हमें रियलाइज हुआ कि ये वही गाड़ी है। जब हम लोगों ने गाड़ी फर्स्ट टाइम देखी थी तो हमने ये तो रियलाइज कर दिया था कि गाड़ी को अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गाड़ी का फ्रेम आगे की तरफ चला गया और थोड़ा सा क्रम्पल हो गया उसको हमें पीछे खींच के वापस अपनी जगह पे लाना था। तो हम लोगों ने ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया और जब हमारे डेंटिस्ट को लगा कि अब फ्रेम अलाइन हो चुका है, हम लोग गाड़ी को वापस वर्कशॉप में ले आए। पहले जब क्लाइंट हमारे पास आए थे तो उनका आइडिया था कि ये जो डैमेज गाड़ी पे हुआ है ये मैंने रिपेयर करना है। जब ये प्रॉब्लम हम लोग ने नोटिस की तो हमने ही क्लाइंट को रेकमेंड किया कि चलो आप रेगुलर व्हाइट की जगह लेक्सस का नोवा व्हाइट कर लो, ये कलर अपने आप में बहुत अच्छा कलर है और गाड़ी जब रेडी होगी तो काफी अच्छी दिखेगी।